देखिए जी, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि थ्री स्पीड कॉइल कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, ये थ्री स्पीड कॉइल कनेक्शन हमारे मैक्सिमम 16 स्लॉट टेबल फैंस या फिर हमारे थ्री स्पीड कूलर वाइंडिंग के अंदर देखने को मिलता है। ये दोस्तों 1440 आरपीएम मोटर वाले कॉइल्स के अंदर ये कनेक्शन किया जाता है। ये जो थ्री स्पीड कनेक्शन है जो कि कॉइल के कनेक्शन के अंदर ही किया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने जो ये कि रेड कलर में चार बनाए हुए हैं, ये हमारे रनिंग कॉइल हैं। ये जो चार ब्लैक हमने बनाए हैं, ये हमारे स्टार्टिंग कॉइल हैं। इसमें दोस्तों हमने दोस्तों सभी कॉइल के शुरू के साथ मार्क किया हुआ है आई और ओ। यहाँ पर दोस्तों आई का मतलब है इनर वायर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, और जो यहाँ पर आउटर का मतलब है ओ बराबर आउटर यानी कि आउटर वायर राइट हैंड साइड वाला। अभी ये हम कॉइल के सिरे किस तरह से निकालते हैं, आपका कोई भी कॉइल हो गया उसके दोनों सिरों को अपने तरफ कीजिए और आपके जो सीधे हाथ की तरफ आता है वो होगा आपका आउटर यानी कि आपकी राइट हैंड साइड, और जो आपके उल्टे हाथ की तरफ आता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो होगी आपकी इनर वायर। अभी हम सबसे पहले करेंगे रनिंग कॉइल कनेक्शन। अब दोस्तों रनिंग कॉइल कनेक्शन आपको सेम सीरीज वाले कनेक्शन यानी कि 1 से 3 वाला कनेक्शन करना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे चारों रनिंग कॉइल हैं जो रेड कलर के अंदर है। यहाँ पर हम सभी पर कॉइल नंबर डाल देते हैं, तो आप किसी भी कॉइल से स्टार्ट कर सकते हो यानी कि किसी को भी पहला कॉइल मान सकते हो। जैसा कि मान लीजिए मैं इसे पहला कॉइल मानूंगा और यहाँ पर डाल देता हूँ RC1 यानी कि रनिंग का पहला वाला कॉइल। ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, यानी कि ये हमें क्लॉक वाइज कनेक्शन करते हुए चलना है। सभी कॉइल नंबर डालकर कंप्लीट कर लिया है, हम रनिंग के पहले वाले कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा इनर वायर है इसे हम खाली छोड़ देते हैं, और दोस्तों जो हमारी रनिंग का पहली वाली कॉइल का जो ये आउटर वायर है इसे हम रनिंग के दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। किस तरह से, ये हमारा दोस्तों जो कि इनर वायर पहले वाली कॉइल से हमने खाली छोड़ दिया, इसके बाद इस आउटर वायर को दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करते हैं। ये दोस्तों हमारी रनिंग का पहले कॉइल का आउटर वायर दूसरी कॉइल के आउटर वायर के साथ में जॉइंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट हमारी दूसरी वाली रनिंग की कॉइल पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो ये इनर वायर हमारे पास बचा है, ये इनर वायर हमें दोस्तों तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ना है यानी कि ये वाला वायर यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। ये दोस्तों हमने दूसरी वाली कॉइल का इनर वायर तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में ज्वाइंट किया। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारी रनिंग की तीसरी वाली कॉइल पर। तीसरी वाली कॉइल से फ़िलहाल हमारे पास बचा हुआ है एक आउटर वायर, ये आउटर वायर हमें रनिंग की चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करना है। तो चलिए दोस्तों इस ज्वाइंट को भी हम कर देते हैं कम्प्लीट। ये दोस्तों हमने तीसरी वाली कॉइल का आउटर वायर चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ पर हमारी चौथी वाली कॉइल से हमारे पास एक इनर वायर बचता है जिसे हम अभी फ़िलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं। तो हमारी रनिंग कॉइल से दो वायर निकले, एक तो पहली वाली कॉइल का इनर वायर, एक निकला चौथी वाली कॉइल का इनर वायर। फ़िलहाल ये तो हो गए हमारे रनिंग कॉइल कनेक्शन, अब आ जाते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल्स पर नंबर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें स्टार्टिंग का पहला वाला कॉइल कौन सा मानना है, यहाँ पर
रनिंग के पहले और दूसरे वाले कॉइल के बीच में जो कॉइल हमारा आता है ये वाला, इसे हम स्टार्टिंग का पहला वाला कॉइल मानेंगे। रनिंग के पहले और दूसरे वाले कॉइल के बीच में जो कॉइल है ये हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल हुआ। यहाँ पर हम डोल तो डालते हैं S1 यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल, ये दूसरा, ये तीसरा वाला और ये आखिरी वाला चौथा कॉइल। यहाँ पर दोस्तों कॉइल नंबर डालकर कर दिया कंप्लीट। कॉइल कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से रनिंग कॉइल में कनेक्शन किए लगभग सेम तरह से स्टार्टिंग कॉइल में कनेक्शन होंगे, वही 1-3 वाला यानी कि सीरीज कनेक्शन है। तो पहले वाले कनेक्शन से कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहली वाली कॉइल का जो ये इनर वायर है यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला वायर, ये हमें खाली छोड़ देना है। यही सिरे आपको उसी तरह से मानने हैं जिस तरह से हमने बाकी कॉइल्स में माने थे, यानी जो आपके उल्टे हाथ तरफ आता है इनर वायर, जो सीधे हाथ की तरफ है आउटर वायर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये हमारी पहली वाली कॉइल से इनर वायर निकलता है ना, इसे हम खाली छोड़ देते हैं। आ जाते हैं दोस्तों पहली वाली कॉइल के आउटर वायर पर। पहली वाली कॉइल का जो आउटर वायर है वो हमें दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करना है, यानी कि ये वायर यहाँ पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहली वाली कॉइल का आउटर वायर दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो ये दूसरी वाली कॉइल है इसका जो ये इनर वायर है ना, ये हमें ये तीसरी वाली कॉइल है जो कि दूसरी से तीसरी वाली कॉइल है, इसके इनर वायर के साथ में ज्वाइंट करना है। अब सिंपल है, इसका इनर वायर ये है, इसका ये है, यानी कि ये यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। ने दूसरी वाली कॉइल का इनर वायर तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में ज्वाइंट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों हम एक लूप बना देते हैं, यानी कि जो ये वायर हमने ज्वाइंट किया है इसके साथ में हम एक वायर और ज्वाइंट करेंगे। बीच में कट कर एक लूप बना दिया, इसमें हम एक वायर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग की तीसरी वाली कॉइल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आउटर वायर बचता है, इस आउटर वायर को हमें स्टार्टिंग की चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ से यहाँ पर। तीसरी वाली कॉइल के आउटर वायर को चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो ये हमने तीसरी वाली कॉइल से चौथी वाली कॉइल के बीच में ज्वाइंट किया है ना, इसे भी यहाँ पर हम एक लूप रख देते हैं। ये हमने रख दिया। यहाँ पर हम एक वायर ज्वाइंट करेंगे वाइट कलर का, यहाँ पर हम सभी मेंशन कर देंगे अभी। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारे चौथी वाली कॉइल से एक इनर वायर निकल कर आता है, इसे हम निकाल देते हैं। पास हमारी चौथी वाली स्टार्टिंग की कॉइल, उससे एक वायर निकल कर आता है इनर वायर, एक पहली से निकला इनर वायर, ठीक है। क्या आपके बेसिक कनेक्शन, इसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग की दूसरी और तीसरी वाली कॉइल के बीच में ये हमने लूप रखा है रेड कलर का, इसमें हम एक रेड कलर का वायर ज्वाइंट करेंगे। तो हमें एक रेड कलर यानी कि लाल वायर ज्वाइंट करना है। इसके बाद जो हमारी तीसरी वाली कॉइल से ये आउटर वायर निकलकर चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जो है वायर जाता है, इसके बीच में जो है हमने लूप रखा है, इसमें हमें एक वाइट कलर का वायर ज्वाइंट करना है, यानी कि एक सफ़ेद वायर, इसमें हमने फ्लेक्सिबल वायर जोड़नी है। और जो हमारी चौथी वाली कॉइल है रनिंग की, इससे जो फाइनली हमारी ये वायर निकलती है चौथी वाली कॉइल की इनर वायर, इसमें हमें एक येलो कलर की वायर ज्वाइंट करनी है। चौथी वाली कॉइल से जो है हमारा इनर वायर निकला, इसमें हमें येलो वायर ज्वाइंट कर देना है। फिलहाल हमारे पास दोस्तों दो वायर बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से जो हमारा पहला वाला कॉइल निकला ना, ये वाला इनर वायर, इसमें हमें यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर ब्लैक वायर ज्वाइंट करनी है। कि हमें जो कि स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल से इनर वायर निकलेगा,
इसमें ब्लैक वायर यानी कि ब्लैक फ्लेक्सिबल वायर ज्वाइंट करनी है। फिलहाल हमारे पास दो वायर बचे हैं दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग कॉइल की आखिरी वाली कॉइल से निकलता है इनर वायर, और एक हमारी रनिंग की पहली वाली कॉइल से निकलता है इनर वायर। इसमें दोस्तों हमें ब्लू कलर की वायर ज्वाइंट करनी है, और इसमें यहाँ पर भी ब्लू कलर की वायर ज्वाइंट करनी है। तो क्यों ना दोस्तों इन दोनों वायर्स को एक कॉमन वायर बना दिया जाए, तो चलिए दोस्तों मैं इन्हें एक जगह ज्वाइंट कर देता हूँ। और इसमें दोस्तों हम एक वायर ज्वाइंट करेंगे जो कि होगी हमारी ब्लू। ने ब्लू मेंशन कर दिया, यानी कि इन दोनों वायर्स के बीच में हम एक ब्लू कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे। फिलहाल हमारी मोटर से 5 फ्लेक्सिबल वायर निकलते हैं, एक येलो, एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक और एक ब्लू। इन्हें हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। मोटर से 5 फ्लेक्सिबल वायर निकल का है, ब्लैक, येलो, ब्लू, वाइट, रेड। ठीक है, अभी हमें कैपेसिटर किन दो वायर्स पे लगाना है। तो दोस्तों कैपेसिटर लगेगा हमारा ब्लैक के साथ में और येलो के साथ में। आप 1.5 mFD से 3.15 mFD तक का कैपेसिटर काम में ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर लगेगा वो ब्लैक वाली वायर में लगेगा, येलो वाली वायर में लगेगा। अभी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल और रनिंग की आखिरी वाली कॉइल के पे हमने कैपेसिटर लगा दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉमन वायर होगा वो होगा हमारा दोस्तों येलो वायर। ये हो गया दोस्तों हमारा कॉमन वायर येलो। अभी दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो, एक वायर लगाते हो आप येलो में और एक लगाते हो आप ब्लू में, तो ये होगा आपका हाई स्पीड। यदि आप लगाते हो येलो प्लस वाइट में तो ये होगा आपका मीडियम स्पीड, और यदि आप लगाते हो येलो प्लस रेड में तो ये होगा आपका सबसे स्लो स्पीड। यानी कि यहाँ पर येलो हमारा कॉमन हो गया, ब्लू हाई स्पीड, आपका वाइट मीडियम स्पीड, और जो आपका रेड है वो सबसे स्लो स्पीड। तो ये हैं आपके कंप्लीट कनेक्शन। बाकी इसके HD इमेजेस आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और भैया बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।